यानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऑल इज नॉट लॉस्ट की हम एक्सरसाइज करेंगे और उसकी एक्सरसाइज में पहले ये ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी का मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, प्रोमिनेंट वर्ड्स होते हैं, या इसको लिस्ट ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। तो न्यूरोलॉजी का वर्ड है मतलब स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल है, तो इसको हम कहते हैं कि असाबी मुतालिया, मतलब असाबी मुतालिया या असाब का मुतालिया। और डेवेस्टेटिंग का मतलब तबाहकुन होता है, और न्यूरॉन्स का मतलब भी असाब से रिलेटेड होता है। रिक्रूट का मतलब भर्ती करने को कहते हैं, इस्तेमाल करने को कहते हैं, भर्ती करने को रिक्रूट कहते हैं। और पॉपिंग इन का मतलब अपीयर के मानों में आता है, अपीयर करना, जाहिर होना। क्रचेस बिसाखियों कहते हैं, ग्रेजुअली बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता। और मिजरेबल का मतलब बेचारगी कहते हैं, वेरी अनहैप्पी को भी कहते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर है बेटा। पहला है, व्हाई डिड द नर्स आस्क हिरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर। बेटा जी मुझे बताएं क्वेश्चन किस टेंस में है, कौन बताएगा मुझे क्वेश्चन का टेंस कौन सा है? व्हाई डिड द नर्स आस्क हिरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, बताइए बेटा टेंस। क्वेश्चन का टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है, बहुत सिंपल है। जब डेट लगा होता है ना, जब डेट लगा होता है उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसका जब आपने आंसर देना है तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। द नर्स आस्क्ड हिरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, ये तो एज इट इज आपने स्टेटमेंट उठाई है क्वेश्चन की, आगे आपने आंसर देना है। आपके चूंकि सेंटेंस का आगाज पास्ट से हुआ, आस्क लिखा है तो आगे बिकॉज शी थॉट लिखना है आपने। Because she thought that the voice of near and dear ones might activate, may activate नहीं, might activate her nearly dead neurons, तो ये इसका main answer होगा। Number two में इसका जो question है वो ये है, Why did the nurse disagree with the doctor's point of view? अब मुझे बताएं अब ये कौन सा tense है? Past definite है। कैसे मचला? Dead की वजह से। और जब कभी भी dead से question start होता है तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? बेस फॉर्म लगती है। तो इसमें वर्ब है कौन सा? व्हाई डिड द नर्स डिसएग्री वर्ब है। तो डिसएग्री को जब हमने आंसर देना है तो जब आंसर में हम पास्ट सिंपल लगाएंगे तो द नर्स डिसएग्रीड विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज शी थॉट, अब देखो ये भी पास्ट टेंस में, शी थॉट दैट लीविंग अ पेशेंट अनअटेंडेड वॉज नॉट राइट, अ चांस शुड बी गिवन टू द पेशेंट, शी थॉट, ये भी पास्ट टेंस है। She thought that her full attention could make her patient recover. The patient should be given a chance. Question number three mein, why did the nurse ask herself the question, could I be able to justify my stance before the senior doctors? Kya main senior doctor ke samne apne is stance ko, apne mauqif ko justify kar paungi ki ji is mareez ko ek aur mauka de? To agar ye mareez behtar na hui to mera kya banega? To wo thodi bahut ghabrayi bhi thi. तो इसका आंसर क्या है? द नर्स वॉन्टेड टू सेव द लाइफ ऑफ द गर्ल हु वॉज डिक्लेयर्ड एज अ होपलेस केस बाय द सीनियर डॉक्टर। द नर्स वॉन्टेड टू गिव द पेशेंट अ चांस, शी वेंट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्क हर जॉब, बट एट द सेम टाइम शी वॉज इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड एंड आस्क्ड हरसेल्फ इफ इट वॉज वर्थ वाइल टू अपोज एंड फाइट द डिसीजन ऑफ सीनियर एंड मोर क्वालिफाइड सर्जन। She said that because the patient did not show any sign of recovery in the beginning, तो इसलिए परेशान थी क्योंकि उसका जो असल में इसका आंसर यहाँ पे है। She said that because the patient did not show any sign of recovery in the beginning, ये मेन आंसर है कि उसका जो पेशेंट है स्टार्ट के अंदर से उसने कोई रिकवरी का साइन शो नहीं किया था। लेडी कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन नंबर फोर, डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द नर्स इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर जो नर्स की क्वालिटीज है उसको डिस्क्राइब करें। अब नंबरिंग कर लें, कौन कौन सी नंबरिंग है? द नर्स इन द स्टोरी इज वेरी सिंसियर टू हर जॉब एंड टुवर्ड्स हर पेशेंट, सिंसियर वन पॉइंट है। काइंड हार्टेड एंड केयरिंग दूसरा पॉइंट, टू सच एन एक्सटेंट दैट शी फील्स द पेन ऑफ द इंजर्ड एंड द पीपल विद सीवियर डिसऑर्डर क्वाइट वेल, शी इज वेरी इंटेलिजेंट तीसरा पॉइंट है। She is very intelligent that she does her best to save the life of a girl who is declared as a hopeless case. कि मतलब एक ऐसा केस इसको hopeless करार दे दिया गया है कि यार इसके चांस ही नहीं है ठीक होने के, by the same doctor. She is hopeful and optimistic. ये चौथा पॉइंट है, वो hopeful है और optimistic है, मतलब पूरी उम्मीद है that she risked her own job to save the life of the girl. She is very proud of her profession. ये पांचवा पॉइंट है।
कि अपने प्रोफेशन के ऊपर बहुत ज्यादा वो प्राउड है, फखर करती है. लेडी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. इसका क्या मतलब है, जहां चाह वहां राह, यानी जहां पे हम इंसान तय कर लेता ना यानी काम करना तो वो होके रहता है. तो द नर्स सेड इट बिकॉज़ ही वाज शी वाज डिटरमिंड टू सेव द लाइफ ऑफ अ गर्ल इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हर सीनियर डॉक्टर आस्क्ड हर टू लीव द होपलेस केस. हर सिंसेरिटी एंड डिटरमिनेशन ब्रॉट हर सक्सेस इन द एंड. लॉरी रीरेंज दीस सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस. ये मेरे बच्चों आप एक मिनट करें, एक मिनट लें, खुद सॉल्व करें कि इन 8 सेंटेंसेस के अंदर पहला सेंटेंस कौन सा आना चाहिए. जैसे वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर है, ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता. एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड, ये हो सकता है. आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, ये पहले नहीं आएगा, ये बाद में आएगा. आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, ये एंड में आएगा. और वन डे आई वॉज थ्रिल्ड टू सी शी लिफ्टेड हर लिफ्ट, ये भी मिडल में आएगा कहीं पे, ठीक है ना. और द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, तो ये भी कि स्टार्ट में कहीं आएगा. तो इसकी मैं आपके सामने ये आंसर आ गया हुआ है. नंबर 1 पे आएगा, एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड, नंबर 1 पे. वन डे स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम, आई वंडर्ड शी कुड मेक द सेम रिकवरी एज अदर्स, ये नंबर 2 पे. वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, ये नंबर 3 पे. द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, ये नंबर 4 पे. आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, ये नंबर 5. One day I was thrilled to see her lift her little finger, number 6 pe. Thanks to Allah, ye number 7 pe. Or I was proud to be a nurse, number 8. Literally, humne match the column A with column B. Beta ji, beside ka matlab saath hota hai. To answer aayega at the side of. Ironic ka matlab hota hai. Maine aapko irony ka matlab bataya tha idhar ke nahi bataya tha? Irony ka matlab kya hota hai? Conveying opposite sense. Aur beta suno, irony kise kehte hain? बेटा आयरनी का मतलब ये होता है, मैं ऐसी बात कहूं जो रियलिटी से उल्ट हो. सुन रहे हो, मैं ऐसी बात कहूं जो रियलिटी से उल्ट हो. बच्चा आया क्लास में और क्लास को आधा घंटा हो चुका हुआ है और मैं कहूं यार आज तो बहुत जल्दी आ गए आप, वेरी गुड. तो क्या वो वाकई जल्दी आया है? नहीं आया, वो तो लेट आया है. लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी आ गए. इसका मकसद क्या होता है कि उसको थोड़ा शर्मिंदा करना होता है, इसको आयरनी कहते हैं. बात समझ रहे, कन्वेइंग ऑपोजिट सेंस. और उसने डॉक्टर ने तंजिया मुस्कुराहट संसा था, क्या कि वो एक ऐसे मरज के ऊपर, जनाब जी एक ऐसे मरीज के ऊपर, मरीजा के ऊपर काम कर रही है जिसके ठीक होने के चांसेस नहीं है. और मुस्कुराहट इसलिए रहा था कि वहां पे मुस्कुराना बनता नहीं था. मेडअप का मतलब डिसाइड करना. वंस आई मेड अप माई माइंड, जब मैं अपना फैसला कर लेता हूँ, जेन बनाने को मेडअप कहते हैं. और जस्टिफाई माई स्टांस का मतलब होता है प्रूव माई सेल्फ राइट, कि मैं अपने मौकफ को, अपनी बात को सही साबित कर दूं, इसको कहते हैं जस्टिफाई माई स्टांस. लेन यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस, फर्स्ट एज वर्ब एंड देन एज नाउन. बेटा देखो, बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको जेहन में रखना आप लोगों ने. आप अभी 9th में है, ये सेम चीजें बेटा जी FSC में जाएंगी आप पर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आगे मास्टर्स तक ये चीजें चलनी है. देखो लव्स केयर है बेटा, केयर नाउन भी है और केयर वर्ब भी है. वॉक नाउन भी है, कहता है लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो ये नाउन है. तो ही वॉक्ड इन द मॉर्निंग, तो ये वर्ब है. तो बेटा एक ही वर्ड नाउन भी हो वर्ब भी हो उसको कॉग्नेट्स बोलते हैं. बेटा क्या बोलते हैं? बोलो जरा, क्या बोला मैंने? कॉग्नेट्स बोलते हैं. तो कॉग्नेट अगर पूछे कोई कॉग्नेट्स क्या होते हैं, अगर ये सवाल आपसे कोई 3 साल बाद या पूछे, 4 साल बाद पूछे, आप सेकंड ईयर में हो और आपसे कोई सवाल करे बेटा कॉग्नेट्स क्या होते हैं, तो आप में से कितने ऐसे बच्चे इनको याद रहेगा, यार हमने कॉग्नेट्स 9वीं क्लास से पढ़ा था. हाँ मुझे फोन कर देना तुम्हें. मैंने ये कल सवाल किया इसी तरह की सेकंड ईयर क्लास के अंदर, कॉग्नेट्स क्या होते हैं, एंड नोबडी वॉज एबल टू आंसर मी. कहते सर पता ही नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं. तो इस बात का मतलब पता क्या है? इस बात का मतलब यह है कि आप लोग जब क्लास में बैठे होते हैं ना, तो प्रायोरिटी के साथ चीजों को याद नहीं कर रहे होते. अब कॉग्नेट्स का मतलब एक वर्ड जो कि नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है. तो जैसे आपके लिखा फर्स्ट गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट, ये वर्ब है, और इट इज माई टर्न, ये नाउन है. तो एग्जाम्पल देख ले बेटा जी, जैसे केयर है, तो दे डोंट केयर अबाउट ह्यूमन लाइफ, ये वर्ब है,
और ही प्लान्स हिज विजिट्स विद ग्रेट केयर, ये नाउन है. आई वॉक्ड अक्रॉस द हाउस, ये वर्ब है. और शी टुक द डॉग आउट फॉर अ वॉक, ये नाउन है. आई वॉज सरप्राइज बाई हिज स्टेटमेंट, ये वर्ब है. और द डिसीजन हैज बीन ग्रीटेड विद सरप्राइज, ये नाउन है. अच्छा, ये जो सुनना है ना, आई वॉज सरप्राइज बाई हिज स्टेटमेंट, ये इसको ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे सरप्राइज एडजेक्टिव है, लेकिन हिज अपीयरेंस सरप्राइज्ड मी, ये ज्यादा बेहतर वर्ब है. दे रिक्वेस्टेड हिम टू रिपोर्ट द डिटेल्स, वर्ब है. दे मेड आवर रिक्वेस्ट, नाउन है. दे डोंट नीड, वर्ब है. दे हेल्प्ड अस इन द आवर ऑफ नीड, नाउन है. और स्टेट द रीजन फॉर द लेट कमिंग, वर्ब है. और यू आर नॉट इन अ फिट स्टेट टू ड्राइव, ये नाउन. लेडी, इसको बेटा कॉग्नेट्स कहते हैं, याद रखना बेटा, भूलना नहीं आप लोगों ने. लेडी, ग्रामर पढ़ने लगे हम लोग. रीड एट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, पुट एन आर्टिकल ए एंड द टू रिप्लेस वेयर नेसेसरी. अटेंशन दीजिएगा बेटा. वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. इज अ फेमस प्रोवर्ब. मैनी, अच्छा बेटा यहां पर मुझे बताओ, लफ्ज लिखा हुआ है मैनी, आगे लिखा हुआ है वाइज मैन, नजर आ रहा है बेटा? मैनी वाइज मैन लिखा हुआ है. आगे लिखो, लिखा हुआ हैज अप्रूव्ड इट. अब बेटा जी, हैज वर्ब है, सिंगुलर है या प्लूरल है, बताओ मुझे. हैज सिंगुलर है प्लूरल है बेटा? हैज सिंगुलर है. और मुझे बताओ, वाइज मैन, मैनी वाइज मैन, ये नाउन सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है. तो बेटा यहां भी ये सेंटेंस रॉन्ग है. ये ऐसे होना चाहिए था, मैनी वाइज मैन हैव अप्रूव्ड इट. समझ लगी बात की? दूसरी बात बच्चे, अगर मैं यहां पर आर्टिकल ए लगा दूं, यहां पे अगर मैं लिखूं मैनी आ, तो फिर मेरा बेटा वाइज मैन नहीं होना था, फिर मैनी अ वाइज मैन होना था. ये सेंटेंस में मिस्टेक्स है. इसको आप दो तरह से लिख लें बेटा. पहले लिखें मैनी, तो वाइज मैन से पहले कोई कॉमा नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल से पहले, प्लूरल नाउन से पहले हम आमतौर पर कॉमा इस्तेमाल नहीं करते. तो मैनी वाइज मैन हैव अप्रूव्ड इट, ये भी ठीक है. लेकिन जब आपने लिखना है मैनी आ, तो फिर बेटा वाइज मैन लगाएंगे. मैनी अ वाइज मैन हैज अप्रूव्ड इट के साथ होगा. समझ लगी है? अच्छा, इट इज एन ऑल टूगेदर, it is an altogether wrong notion to ignore it. The people who adopt this fine principle find an ultimate victory, or the man who does not act upon this rule cannot succeed in life. acha beta ji, in his life bhi lag sakta hai, his to article hi nahi hai, to aap isko bagair bhi lag sakte hain, in life. Or what a lesson it has for all of us. ले बेटा जी, डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन आप लोग दसवीं में करेंगे. यहाँ पर एक हम हल्का सा आइडिया ले लेते हैं बेटा. डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को समझ ले, बस इतना ही समझिएगा बेटा. जब मैं कहता हूँ ना, आई रिप्लाइड, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर वॉइस. ये लफ्ज किसके हैं? आई के लफ्ज हैं. आई ने अपने लफ्ज मुंह से निकाले हुए. आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, शी सेड. उसने कहा, क्या तुम अपने पेशेंट को तलाश कर रही हो? तो ये लफ्ज किसके हैं? शी के लफ्ज हैं बेटा. जब कोई आदमी के अल्फाज एज इट इज दूसरे आदमी तक पहुंचा दिए जाए, तो वो डायरेक्ट होता है. मुझे बताओ, काम काम और बस काम, ये किसकी कोटेशन है? कायदे आजम ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत करें. अच्छा, ये मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लिए दिन रात काम करें, ये मैं कौन है? मैं सर ताहिर हूं कि कायदे आजम है? तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूं, तो मैं तो नहीं चाह रहा, मैं तो कायदे आजम की बात कर रहा हूं. तो मैंने कायदे आजम के लफ्जों को एज इट इज आपके सामने पेश किया. तो ये डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा? डायरेक्ट होगा. अब मैं कहता हूं, यार कायदे आजम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए दिन रात काम करें. अब मैंने कौन से लफ्जों में डायरेक्ट बोला, इनडायरेक्ट बोला है? अब मैंने इनडायरेक्ट बोला. तो मेरा बेटा, डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, और इनडायरेक्ट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते. आप एग्जाम्पल देख लें, ऊपर वाली तीन एग्जाम्पल डायरेक्ट की, और नीचे वाली तीन एग्जाम्पल इनडायरेक्ट की. तो ही सेड टू हिम, व्हाट आर यू रीडिंग का जो इसका अगर चेंज करना चाहूंगे नेट के अंदर तो होगा ही. ही आस्क्ड हिम. लो मेरे बच्चों, जरा देखें जरा, आई सेड टू हिम का कैसे बनेगा? ही आस्क्ड हिम, व्हाट वाज आई डूइंग होगा या व्हाट आई वाज डूइंग होगा?
आपको मैंने क्योंकि रेटेड अभी नहीं कराया है 9th क्लास के अंदर, तो हम इसको करेंगे भी नहीं, तो इसको अभी फिलहाल हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये आपके 9th के अंदर ये पेपर में आना भी नहीं है। लेकिन ये आपको ये आने चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे होते, डायरेक्ट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास सॉरी डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं एज इट इज बात होती है, और इनडायरेक्ट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे होते। अच्छा जी, लेनी कंप्लीट द सेंटेंस विद द गिवन कंपाउंड प्रपोजिशन अलोंग विद अकॉर्डिंग टू इन फ्रंट ऑफ अवे फ्रॉम बिकॉज ऑफ इंसर्ट। ये बड़ा कंपाउंड प्रपोजिशन है क्योंकि दो लगी हुई है, तो पहले में आएगा आई अकॉर्डिंग टू माय टीचर, अकॉर्डिंग टू माय टीचर। नंबर टू में लगेगा ही हैड टू रिटायर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। नंबर थ्री में लगेगा इन फ्रंट ऑफ। नंबर फोर में लगेगा अलोंग विद। नंबर फाइव में लगेगा आई एम अवे फ्रॉम। और नंबर सिक्स में लगेगा ही लेफ्ट फॉर सियालकोट। हाँ जी, ही लेफ्ट फॉर सियालकोट इंस्टेड ऑफ लाहौर। लो मैंने बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो, इधर मुझे बताओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या मतलब होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है बेटा? थर्ड फॉर्म, और उससे पहले हैड बीन लगता है। ये हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है। लो जी, नंबर वन पे सलीम वॉज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रेथ ही हैड बीन रनिंग। नंबर टू पे वी हैड बीन वॉकिंग। नंबर थ्री पे आई हैड बीन डूइंग। नंबर फोर पे दे हैड बीन टेकिंग। नंबर फाइव पे द पेशेंट हैड बीन क्राइंग। लो जी बेटा, ये एक सेंटेंस में आपको बना के दे रहा हूँ। दे हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours बिफोर दे टुक देयर एग्जाम्स। ठीक है, लो बेटा ये हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्टिव पैसिव में मैं बेटा आपसे सुने, ये जो चेंज द नरेशन है ना मेरे बच्चों, मैं आपके लिए ना मेरे साथ साथ बेटा लिखते जाओ जरा, ताकि ये अगर पेपर में वैसे इसके चांस तो नहीं होते, लेकिन फिर भी आप लिख लें। लिखो बेटा जी, ही आस्क्ड हिम व्हाट आई व्हाट ही वाज डूइंग ओवर। आगे देखें, ही नंबर टू पे देखें, ही सेड यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड आ जाएगा, आई हैड मेड अ मिस्टेक, आई हैड मेड अ मिस्टेक। और शी सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये उसको ना ऑर्डर कर रहा है वो, तो ही ऑर्डर्ड फॉरबेड भी हो सकता, ही फॉरबेड हिम नॉट टू वेस्ट माई टाइम या माई टाइम, शी सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो ही फॉरबेड मी कर ले आप, ही फॉरबेड मी दैट आई शुड वेस्ट माई टाइम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। He forbade me not to waste my time. He said to me, "Will you watch a drama tonight?" So he asked me if I watched a drama. He asked me if I watched a drama. Watched a drama tonight. ये that night में change हो जाएगा बेटा, और last में होगा she said to her sister, please listen to me. यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा उसको, तो ही रिक्वेस्टेड हर सिस्टर, ही रिक्वेस्टेड हर सिस्टर, शी आ जाएगा, शी रिक्वेस्टेड हर सिस्टर टू
listen to him. Arud. Lord. Lady Richard. ये हमारा कंप्लीट हो गया. That's all.